हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 मार्च 2021 से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जितने भी बनते हैं दोस्तों, इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि 27 फरवरी 1931 को भारत के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश उपनिषदवादियों द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय अपने हाथों से ही सर पर गोली मारने का विकल्प चुना। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद 1925 कावेरी ट्रेन चोरी के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 14 वर्ष की आयु में आजाद 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ये है चंद्रशेखर आजाद, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जो राज्य में बजट पेश करते हैं या बजट दिया जाता है, उसको मोबाइल ऐप के द्वारा देख सकते हैं। तो इन चारों में से किस राज्य ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 26 फरवरी 2021 को गांधीनगर में गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ऐप में 5 अलग अलग खंड होंगे, जिसमें 27 विभागों के बजटीय आवंटन, बजट प्रकाश डाला जाना, वित्त मंत्री का भाषण, बजट के महत्वपूर्ण पहलू और इनके समाचार कवरेज शामिल होंगे। बजट प्रकाशन ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, अतः सरकार सामग्री केवल 20% प्रिंट करेगी। ये किस सरकार ने की है? तो गुजरात सरकार ने बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से इतने इम्पोर्टेंट फैक्टों का आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हिमा दास को असम का बनाया गया है? इन चारों में से हिमा दास को बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, DSP बनाया गया हिमा दास को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। हिमा दास को असम में DSP के रूप में शामिल किया गया है। प्रिस्टर हिमा दास को 26 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में असम पुलिस की उप अधीक्षक के रूप में शामिल किया गया। उसने 2018 में एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर में रजत जीता था और स्वर्ण जीतने वाली महिलाओं के 400 मीटर रिले और जगराता में चतुर्भुज आयोजन में 400 मीटर रिले चौकड़ी का हिस्सा थी। उन्हें ड्रिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये है हिमा दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूसुफ पठान। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने संन्यास लेने की घोषणा। भारत के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने 26 फरवरी 2021 को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 2007 और 2012 के बीच भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेले हैं। वे 2007 के T20 विश्व कप के साथ साथ 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का हिस्सा थे। दोनों ही भारतीय टीम ने जीते थे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेटर ये सारे मैचों से अब या सारे फॉर्मेटों से अब संन्यास लेने की घोषणा की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अट्टुकला पोंगला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केरल में मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। केरल में अट्टुकला पोंगला उत्सव मनाया गया। केरल के अट्टुकला पोंगला उत्सव 27 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। पोंगला तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान और महिलाओं के सबसे बड़ी जमावड़े की रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। हर साल लगभग 20 लाख भक्त उत्सव में भाग लेते हैं। पोंगला, जिसका अर्थ है उबलना, एक रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम तैयार करती है और वह देवी को अर्पित करती है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में यहाँ आयोजन कहाँ किया गया है या उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लालटेन उस त्यौहार या उत्सव मनाया गया, इन चारों में से किस देश में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। चीन में मनाया गया लालटेन महोत्सव। चीन ने 26 फरवरी 2021 को अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया। यह त्यौहार पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन ने 12 फरवरी को लूनर न्यू ईयर, द ईयर ऑफ द ऑक्स की शुरुआत की। लालटेन महोत्सव पारंपरिक रूप से चीनी नववर्ष के अंत में स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये लालटेन का महोत्सव चीन में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्डन।